मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने अजमेर शहर को वर्चुअल माध्यम से करोड़ों रुपए के विकास कार्यों लोकार्पण की सौगात दी। इस दौरान अजमेर के जवाहर रंगमंच में आयोजित कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री एवं जिले की प्रभारी मंत्री दिया कुमारी ने शिरकत की और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज जन्मदिन है। इस अवसर पर राजस्थान में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कई विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया, जहां मीडिया से रूबरू होते हुए बताया कि बैठक में राइजिंग राजस्थान पर चर्चा के साथ ही राजस्थान में मास्टर ड्रेनेज सिस्टम लागू किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर राजस्थान में इन्वेस्टमेंट समिट पर चर्चा की गई, जिसमें बड़ी संख्या में इन्वेस्टर को शहर में उद्योग स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। शहर में टूरिज्म व मार्बल रोजगार में संभावनाएं अधिक हैं। जहां दूसरी सड़कों की बदहाल व्यवस्था पर जवाब देते हुए कहा कि इससे पहले सभी जानते हैं कि 5 साल कांग्रेस की सरकार रह चुकी है, जिस तरह से सड़कें बनाई गई आज इस भारी बारिश को सड़कें झेल नहीं सकी, इसका साफ मतलब है कि क्वालिटी का काम नहीं हुआ। जहां डेयरी अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी ने मीडिया से वार्ता में कहा कि पिछले दिनों हुई भारी बारिश से सड़कों पर गड्ढे होने से गत दिनों दूध के टैंकरों को 400 फीट पाइप पे मशीन लगाकर दूध की सप्लाई की थी। डेयरी के चारों तरफ के रास्ते बंद हो चुके हैं। जहां विभाग के अधिकारियों से समस्या बताई गई तो अधिकारी सामने से रुपये मांगने लगे। एक गरीब किसान सड़कों की मरम्मत के राशि क्यों दे, जहां चौधरी ने बताया कि दिया कुमारी अधिकारियों पर भड़क गई और धैर्यपूर्ण समस्या को सुनती रही और आश्वासन दिया कि जल्द ही शहर की सड़कों की हालत को सुधार दिया जाएगा। वहीं कांग्रेसी नेता द्रौपदी कोली ने भी दिया कुमारी को शहर की सड़कों की हालत के बारे में अवगत कराया और कार्यवाही करने की मांग की। और अपना राइजिंग राजस्थान में उसकी भी क्या तैयारी की है उन्होंने जिले लेवल पर, उसके बारे में भी चर्चा हुई। और जिस तरह से इस बार इतनी भारी वर्षा हुई है उसमें भी जो अतिवृष्टि हुई है, खराबा हुआ है, उसके बारे में भी ये तुरंत ही जो भी खराबी हुई है उसको स्टेट लेवल में भेजें, जयपुर भेजें, ताकि हम वहाँ से भी ये काम जल्दी से शुरू करें। और जहाँ भी जो कार्य करना है, चाहे वो सड़कों की बात हो, चाहे वो फसल खराबे की बात हो, बिल्डिंग्स की बात हो, सब में कार्रवाई जल्द से जल्द शुरू हो जाए। राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट को लेकर की भी जिला स्तरीय जो बैठक हुई, अभी जिला स्तरीय 2 दिन इन्होंने निर्धारित किए हैं, उस समय ये ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर्स को बुलाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जैसे IT पार्क की घोषणा हुई है, यहाँ पर माइनिंग की भी बहुत संभावनाएँ हैं, मार्बल इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, टूरिज़्म भी काफ़ी बड़ा है, स्पिरिचुअल टूरिज़्म भी है, पूरे ज़िले में बहुत सारी संभावनाएँ हैं। तो ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ऐसे लोगों को इनवाइट करने वाले एक पूरा मास्टर प्लान ड्रेनेज का सभी शहरों का बनाना ज़रूरी है। उस पर तो हमारे UDH मंत्री खर्रा जी जो हैं उन्होंने जयपुर में बैठक ली है, मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि हर शहर का ड्रेनेज प्लान बने, तो एक मास्टर ड्रेनेज प्लान बने, उस पर फिर काम करें, क्योंकि अभी ये ड्रेनेज वैसे ज़्यादातर कहीं भी है नहीं। और इसमें मैंने माननीय मंत्री जी को भी कहा कि दिल्ली के लेवल पर हम लोग कोशिश करें कि अमृत योजना में भी इसको शामिल किया जाए। फिर स्मार्ट सिटी का दर्जा प्राप्त है, उसके बाद भी बारिश के दौरान और अभी जो अतिवृष्टि हुई उसमें हालात जो है बद से बदतर हो गए, उसको लेकर कि आपने आज मीटिंग के दौरान कुछ बिल्कुल अभी मैं दोबारा बोलूँगी, रिपीट करूँगी फिर अपने आप को कि इसकी पूरी बैठक हमने ली, समीक्षा ली, कि इसमें आगे जो भी चाहे SDRF हो, NDRF हो, इसमें जो भी प्रस्ताव जाने हैं तुरंत जाए। और जो ये जो सड़कें बनी थी ये अनफॉर्चुनेटली उस समय की बनी हुई हैं जब हमारी सरकार नहीं थी, और बहुत ही घटिया क्वालिटी की सड़कें हैं ज़्यादातर। और क्या है, नालियाँ नहीं बनी हैं, ड्रेनेज नहीं है, ड्रेनेज ना होने की वजह से पानी इकट्ठा सड़क पे होता है, सड़क सूख जाती है। इस तरह की बारिश राजस्थान में बहुत समय बाद हुई, इसको आगे भी हो सकती है, इसको देखते हुए अब जो हम काम करेंगे वो क्वालिटी वर्क करें और ड्रेनेज के साथ ही बनाएं, चाहे कम बनाएं लेकिन ड्रेनेज के साथ। हमने अपनी समस्याएं रखी, डेयरी की समस्याएं रखी अध्यक्ष जी ने, मैंने अपनी समस्याएं रखी पूरे शहर की, जो सड़कें पूरी टूटी पड़ी हैं, और अभी आपने देखा हाल ही में 2 महिलाओं की डेथ भी हो गई गड्ढे में गिर के, और यहाँ पूरे शहर में L5 L4 की सब लोगों को दिक्कत हो रही है, क्योंकि हर रोड पर एक मीटर भी नहीं जाता आदमी और गज के लगते हैं, तो इस वजह से उनके कमर में दर्द सारी चीज़ें हो रही हैं। मैंने भी उनको यही कहा कि भाई आप ये सड़कें हो रही है एक दूसरे के सहारे डालते हो, वो उसके तो मैडम ने कहा है कि नहीं जल्दी ये बारिश की वजह से सड़कें टूटी है। उन्होंने कहा कि 5 साल पहले बनी सड़कें और ऐसी सड़कें बनी, मैंने कहा आप जाँच करवाओ ना, अगर गलत बनी तो जाँच करवाओ। माननीय उप मुख्यमंत्री दीपक कुमारी जी से अजमेर डेयरी के पांचों तरफ जो सड़कें कटी हुई है और ओवर ब्रिज के कारण 7 साल से पेंडिंग मुख्य मार्ग है,
बाकी राधा स्वामी से डेयरी तक जो आने का रास्ता है, एक साल पहले पुलिया टूटी वो भी बंद है, गांव के अंदर जो हाईवे से आता है दोराई में रास्ता वो भी बंद है, और खानपुरा वाली जो है ओवरफ्लो होने से 5 दिन तो ओवरफ्लो रहा, फिर ओवरफ्लो ख़त्म हुआ, कलेक्टर साहब से मैं मिला तो उन्होंने कहा साहब अब जो है ये PWD वाले ऐसी ये कह रहे हैं कि 12 लाख देवे ये डेयरी वाले तो बनाएंगे। मैंने कहा हम किस बात के 12 लाख देंगे, इस शहर में कौन कौन पैसे देगा सड़कें बनाने के लिए। तो उस बात पर जो है माननीय दिव्या जी बहुत नाराज़ हुई, ऐसी को बहुत बुरी तरह लड़ा भी था, और उन्होंने कहा कुछ नहीं तत्काल इस सड़क को जो है आजकल 2-3 दिन में इसको हाथों हाथ ठीक करो सड़क को,